दोस्तों, वैसे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा भारत का सबसे लंबा चलने वाला कॉमेडी शो है, यानी कि कई सालों से, एक दशकों से दोस्तों ये हमारा मनोरंजन करता आ रहा है, हमें हंसाता आ रहा है। इसीलिए आज भी तारक मेहता के लॉयल फैंस इस शो को काफ़ी प्यार से देखते हैं, काफ़ी चाव से देखते हैं, और हम सब उम्मीद करते हैं कि आने वाले कई सालों तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऐसे ही हमें हंसाता रहे, हमारा मनोरंजन करता रहे। लेकिन शो की कुछ ऐसी बातें हैं जो कि दोस्तों हमेशा दर्शकों के मन में खटकती है कि अगर इन सवालों के जवाब हमें मिल जाते तो काफ़ी अच्छा होता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें शो के मुख्य किरदार पोपटलाल की, तो पोपटलाल की शादी अभी तक क्यों नहीं किया गया है इसके बारे में कोई नहीं जानता। दया की जो दया बहन थी दोस्तों, जो कि शो को छोड़कर चली गई, दिशा बकानी, उनके माँ को अभी तक शो में नहीं दिखाया गया, तो अभी तक हम जान नहीं पाए हैं कि दया बहन की मम्मी का किरदार कौन अदा कर रही है। अगर बात करें अंजलि भाभी और बबीता जी की, तो शो को करीबन 10-11 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई बच्चा नहीं हुआ है। तो वहीं पर दोस्तों अगर बात करें टप्पू सेना की, तो टप्पू सेना काफ़ी बड़ी हो चुकी है और टप्पू की उम्र भी शादी के लायक हो चुका है। तो क्या होगा दोस्तों, टप्पू की शादी पहले होगी या फिर पोपटलाल की, ये तो आने वाले वक्त में आपको पता चल ही जाएगा।